नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सिंपल 100% इफेक्टिव और पॉकेट फ्रेंडली रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि स्कैल्प और बालों के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकती है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, ड्राई है, डैंड्रफ या सीबम का प्रॉब्लम है, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, डल नज़र आते हैं और बालों का नेचुरल लस्टर और शाइन गायब हो चुका है, तो ये रेमेडी इन तमाम प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकती है। क्योंकि हमारे बाल और स्किन प्रोटीन से बने होते हैं जो डस्ट, धूप, केमिकल शैम्पूज और केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से डैमेज होता रहता है और हमारे बाल डल नज़र आने लगते हैं, इसलिए आज बनाया जाने वाला फ्लैक्सीड जेल ना सिर्फ बालों के डैमेज प्रोटीन को रिपेयर करेगा बल्कि इसके साथ साथ नरिश भी करेगा, क्योंकि इसमें मौजूद मेन इंग्रेडिएंट अलसी के बीज नेचुरल प्रोटीन का रिच सोर्स हैं। और इस जेल को आप हेयर मास्क, टोनर और सीरम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये बालों के डैमेज को रिपेयर करता है, नरिश करता है, बल्कि इसके साथ साथ ये बालों और स्कैल्प के हर किस्म के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्लैक्सीड्स जेल बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं: फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज हाफ कप, पंसार शॉप से बासानी दस्तयाब हो जाते हैं, छोटे या बड़े जिस भी साइज में हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी 2 कप्स, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल 2 टेबल स्पून, जैतून का तेल बालों को नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है। 1 पैन में 2 कप पानी डालकर हाई फ्लेम पर गर्म करें, जब पानी तेज गर्म हो जाए तो इसमें हाफ कप अलसी के बीज शामिल कर दें और वक्फे वक्फे से चम्मच से हिलाते रहें, 5 से 7 मिनट तक बॉईल करें और इसके बाद वुडन स्पून की मदद से पानी की कंसिस्टेंसी को चेक करें, जेल की तरह स्टिकी फील हो तो फ्लेम ऑफ कर दें और जेल को फौरन स्ट्रेनर की मदद से छान लें, क्योंकि ठंडा होने पर बीज जेल से अलग नहीं होंगे और बहुत सा जेल भी जाया होगा। छानने के बाद इस जेल को ठंडा होने दें और इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून जैतून का तेल शामिल करके 5 से 7 मिनट अच्छी तरह विस्क करें ताकि एक स्मूथ सा लोशन बन जाए। फ्लैक्स सीड्स जेल इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हेयर कॉम्ब या ब्रश की मदद से बालों को अच्छी तरह टैंगल फ्री कर लें और सेक्शंस में डिवाइड करके जेल को सबसे पहले स्कैल्प पर अच्छी तरह अप्लाई करें और इसके बाद बालों की रूट्स, लेंथ और टिप्स को भी जेल से अच्छी तरह कवर करें। अगर आपके बाल लंबे हैं तो जेल अप्लाई करने के बाद बालों को बन बनाकर बांध लें, 1 घंटे तक बालों में जेल को लगा रहने दें और 1 घंटे के बाद किसी भी माइल्ड या बेबी शैम्पू से बालों को अच्छी तरह वॉश कर लें और नेचुरल हवा में खुश्क होने दें। बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में ही आपको बालों के टेक्सचर और शाइन में वाज़े फर्क महसूस होगा। ये रेमेडी एक्सट्रीमली न्यूट्रल है, इसलिए हर किस्म के हेयर टाइप्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज्ड हैं तो आप इस जेल को अल्टर डेज यानी 1 दिन के गैप के साथ इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज ट्वाइस अ वीक इसका इस्तेमाल बालों और स्कैल्प की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफी है। आप इस जेल को 1 हफ्ते के लिए बनाकर रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की रेमेडी, टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।